हनुमान भगवान अपने बहन हो गए तो उनसे शादी कैसे किए? हनुमान जी शिष्य हैं और गुरु यदि चाहे तो मसलन बहन भाई हैं, वो बंद कमरे में कुछ अमल कर रहे हैं, आपको उन्होंने बता दिया, बस आपको ही पता है, ठीक है, और उनको औलाद वोलाद चाहिए नहीं है, ठीक है, या एक माँ और बेटा ये हरकत कर रहे हैं और आपको पता है, ठीक है। अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान रिएक्शन। वाले माजी न्यू वीडियो पर रिएक्शन लगा, इसका टाइटल है हनुमान ने तो अपनी बहन से शादी की थी तो वो फिर ब्रह्मचारी क्यों रहा, कैसे रहा? आज इस वीडियो में जानते हैं, एक लड़के ने पंडित से सवाल किया था, उसके बाद पंडित ने उसको क्या जवाब दिया, इस वीडियो में जानते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर साकिर नायर साहब का मुफ्ती यासीन नदीम साहब का भी एक लेक्चर देखेंगे जो बहुत इंफॉर्मेटिव इसी से रिलेटेड है। तो आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। राधे राधे। गुरु जी एक सवाल था हम सबके लिए, बोलो। मंदिर में जाते हैं गुरु जी, हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं तो आंख बंद करके खड़ा होते तो सही है कि गलत है गुरुजी? भाई आंख तो घर पे ही बंद कर लो जी। भगवान के मंदिर तो जाते इसलिए हैं कि आंखें खुल जाएं। जी जी। तो वहां तो आंखें खोल के जी भर के भगवान को ऐसे देखो कि भगवान मंदिर से निकल कर के मन मंदिर में बैठ जाएं। जी गुरु। अयोध्या में रामलला आए हैं तो जी भर के उनको ऐसे देखो कि वो मंदिर से निकल कर मन मंदिर में आकर बैठ जाए। आंखें बंद क्यों करना, खोलना। जी धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। राधे भैया। मेरे सादर से प्रणाम। खुश रहिए। मैं 12 मार्च को 2023 में आपसे दीक्षा लिया था मैं। हाँ। और मुझे एक प्रश्न था, जैसे कि हनुमान भगवान सूर्यदेव को अपने गुरु बनाए थे। हाँ। तो अपने गुरु माता या गुरु बहन हो गए तो उनसे शादी कैसे किए? कौन? हनुमान भगवान। हनुमान जी ने गुरु जी। बनाया जी सूर्य भगवान को जी। फिर क्या पूछना है इसके आगे? तो उनके पुत्री से शादी होता क्या? देखो गुरु जो शिष्य होता है ना, हनुमान जी शिष्य हैं और गुरु यदि चाहे कि ये मेरा शिष्य योग्य शिष्य है, मैं अपनी बेटी इसे दे सकता हूँ, तो गुरु डिसीजन ले और वो देना चाहे तो वो दे सकते हैं। सूर्य भगवान ने सोचा कि कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो गृहस्थ को दी जाएंगी, तो हनुमान जी आप विवाह कर लो, पहले गृहस्थ में आओ फिर मैं आपको कुछ विद्याएं दूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से विवाह कराया, लेकिन विवाह तो हुआ परंतु पति पत्नी के रिश्ते में वो रहे नहीं, विवाह बस हुआ। तो क्या है आप? मैं एथिस्ट। आप एथिस्ट हैं? अच्छा, तो पहले आप सनातनी थे ना? बाय चांस, बाय चॉइस नहीं। हाँ ठीक है, बाय चांस आप सनातनी थे। आपको सनातन धर्म में बहुत सी चीजें बुरी लगी होंगी, वो आपने छोड़ दी, आपने सनातन धर्म छोड़ दिया, राइट? बुरी लगी और बहुत सारे चीज अनलॉजिकल लगा, तो इसी कारण से। तो यानी आपके एतबार से सनातन धर्म में बड़ी खराबियां हैं, लिहाजा किसी को सनातनी नहीं बनना चाहिए। कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप अभी मैं इस्लाम का बात कर रहा, तो मैं भी कुरान को मानते हैं, बैकग्राउंड जान रहा था ना, बहुत से लोग आगे सनातनी होते कहते हैं मैं एथिस्ट हैं, तो जरा बैकग्राउंड तो जान लेना आप। अच्छा अब आते हैं, आपने अगर क्योंकि आप अगर करंट एथिस्ट हैं, अब आपका सवाल बोले जी। हाँ, आप कुरान को क्यों मानते हैं? मर्जी है हमारी। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी किसी भी तरह का किताब आप मान सकते हैं, वो भी हमारी मर्जी है, मानेंगे हम सिर्फ कुरानी को मानेंगे, मर्जी है ना। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो अगर उस किताब में गंदे गंदे बातें लिखी हुई हैं तो क्या आप उस किताब को मानना चाहेंगे और उस किताब को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे? क्योंकि कुरान में ना पीरियोडिक टेबल है ना फिजिक्स के लॉ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने जैसे कहा कि हमारी मर्जी है, आपको इस मर्जी पर कोई एतराज है? हाँ मर्जी नहीं, मैं तो पूछ रहा था ना, आप डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं तो मैं भी तो डिबेट ही कर रहा हूँ ना। आपने कहा कि क्यों मानते, मैंने कहा मर्जी है, अब आपने कहा दूसरी किताबें भी मान लेंगे, मैंने कहा मर्जी है कि हम नहीं मानेंगे, तो इस मर्जी पर आपको कोई एतराज है? अगर वो किताब मानने लायक न हुआ फिर भी आप मानेंगे, तो इसका मतलब आपको मेरी मर्जी के ऊपर एतराज है? कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपको पता है कि मेरी मर्जी के ऊपर आप अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से एतराज नहीं कर सकते, चूंकि एथिस्ट वर्ल्ड व्यू पर चलता ही है मर्जी के ऊपर, सब्जेक्टिव चॉइस। मेरी सब्जेक्टिव चॉइस है कि मैं कुरान को मानूं, आपको क्या एतराज? तो फिर आप एथिस्ट किस बात के हैं? एथिस्ट होता ही वो है जो सब्जेक्टिव मोरालिटी को माने।
इसने कहा कि आपको एथिस्ट ऐसा होता है, एथिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भगवान को नहीं मानता है। ओके वाह वाह, अच्छा ठीक है, चले मान लिया मैंने। आप मोरालिटी कहाँ से लेते हैं? फर्क है कहाँ से लेते और कॉमन कॉमन सेंस, समझदारी यूज करके। अच्छा, तो कॉमन सेंस और समझदारी से आपको मोरालिटी आती है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या सारी दुनिया की समझदारी एक जैसी होगी? मसलन किसी चीज को आप अच्छा समझते हैं, दूसरे उसको गलत समझते हैं, क्या ये दुरुस्त है? अगर हम बात करें इथिक्स, एक सब्जेक्ट है ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करें ठीक है, तो ज्योग्राफी के अनुसार तो बदलाव आ ही सकता है मोरालिटी और सब्जेक्टिव भी। तो ज्योग्राफिया के एतबार से भी बदलाव आ सकता है और टाइम के एतबार से भी आ सकता है, राइट? मसलन कोई चीज अमेरिका में अगर मोरल है तो वो जरूरी नहीं कि इंडिया में मोरल हो। वो डिपेंड करता है कौन सा चीज है, कौन बुरा हो सकता है, कौन सही हो सकता है वो। तो लेकिन आप बुनियादी तौर पर ये तो मान रहे हैं ना कि फिर मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव तो ना रही ना? मोरालिटी एक एक हद तक सब्जेक्टिव है और बाद में जाकर के ऑब्जेक्टिव बन जाता है, क्योंकि सबका मतलब साइकोलॉजिकल मोरल जो साइकोलॉजिकली इंस्टिंक्ट रहता है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके अनुसार अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको तकलीफ पहुंचता है, तो वो इंसान भी सोचेगा कि मुझे तकलीफ पहुंच रहा है, तो मैं अगर किसी और को तकलीफ पहुंचाऊंगा तो उसे भी तकलीफ पहुंचेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि आप इंसेस्ट के बारे में क्या कहते हैं, इंसेस्ट मोरल है कि इमोरल? इंसेस्ट चॉइस है उनका। हाँ चॉइस है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं है लेकिन हाँ इंसिस्ट अलाउड है, लेकिन उसमें जो वो रिप्रोडक्शन वगैरह वो सही नहीं है बायोलॉजिकली, तो वो सही नहीं। कोई बात नहीं, ये लगा देंगे ना प्रोटेक्शन लगा देंगे। वो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के जरिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं प्रोटेक्शन लगाकर। तो अब मुझे बताइए कि ये मॉरल है कि इमोरल, उनको औलाद नहीं चाहिए? तक की सोसाइटी को यो किसी भी प्रकार का हिंसा या फिर कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है बायोलॉजिकली, तब तक वो सही है एकदम। नहीं, हमने कहा ना कि दो मसलन बहन भाई हैं, वो बंद कमरे में कुछ अमल कर रहे हैं, आपको उन्होंने बता दिया, बस आपको ही पता है ठीक है, और उनको औलाद वोलाद चाहिए नहीं है ठीक है, या एक माँ और बेटा ये हरकत कर रहे हैं और आपको पता है ठीक है, अब मुझे बताइए उनको भी औलाद नहीं चाहिए तो ना तो फसाद होगा, चूंकि आपको ही पता है, खाली आप क्यों लड़ेंगे भाई, आप तो बहुत नेक आदमी है, तो अब मुझे बताएं ये मोरल है कि इमोरल है? डिपेंड करता है, जब तक कि किसी और को दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर हम लोग मेडिकल लेवल पे जाकर के बायोलॉजिकली हम वो भाई नहीं हो रही नहीं दिक्कत, हो रहा दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं है, आप ही को है बस। अरे बोलने तो दो, तो मैंने कब कहा, मैंने कब कहा कि मेरे को दिक्कत है ऐसा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक दिक्कत नहीं आ रहा है तब तक करे कोई। हम ये कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं आ रही है उनको, किसी को वो सोसाइटी में इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर में कर रहे हैं, प्रोटेक्शन लगा कर रहे हैं, औलाद नहीं चाहिए, अब मोरल है कि इमोरल, अब बोलो क्या? हाँ तो तब तक तो मोरल है, मोरल है ठीक है। अच्छा अब आपको मैं बताऊं, आप चूंकि इंडिया में है, इंडिया से है ना आप, आप है, कर सकते हैं। भाई छुपाना नहीं। अरे छोड़ो ना, आप मेरे डिटेल्स जान के क्या करोगे आप, ये बताओ। अच्छा जी, तो इंडिया में ये चीज इमोरल है और इलीगल है, अब बताएं ये साबित हो गया कि इंसेस्ट के बारे में वेस्ट में अगर आप मोरल मान लें, तो इंडिया में जहां वहां पर भी इंडिया भी एक सेक्युलर सोसाइटी है, वहां पर वही चीज इमोरल हो गई, तो साबित हुआ कि नहीं कि ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है, ऑब्जेक्टिव नहीं? जी नहीं, ये ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंगली ही चेंज हुआ है, मैंने पहले भी कहा था, आप सुन सकते हैं। और भाई वो रीजन डजंट मैटर के किस रीजन से हुआ है, पॉइंट ये है कि एक चीज एक इलाके में, मैं भी मान रहा हूँ एक इलाके में मोरल है, दूसरे इलाके में वो इमोरल है, टाइम का भी फर्क हो सकता है कि एक टाइम में मोरल है दूसरे टाइम में मोरल है, इसी को तो सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है? एक मिनट, लेकिन सब्जेक्टिव तब तक कहलाएगा ना जबकि मैं अकेला एक इंसान मान रहा है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं ना। ओ भैया आपको सब्जेक्टिव का कुछ पता भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को जानते भी हो? सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कुछ लोगों की ओपिनियन ये है, कुछ दूसरे लोगों की ओपिनियन दूसरी है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि पूरी इंसानियत अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, हर जमाने और हर जोग्राफिये में, हर लोकेशन में उसको अच्छी या बुरा, उस चीज को अच्छा या बुरा। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मुझे लगता है ये जो सनातन भाई जो इस वक्त सनातन धर्म को भी छोड़ चुका है और अथिस्ट है, ये उल जलूल बात सिर्फ लेकर ही आ गया था, उस पर मुफ्ती यासीन नदीम साहब ने उसको बहुत ही जबरदस्त हर बात पे
पकड़ लिया, फिर भी वो करते करता आखिर में उसको हटना ही पड़ा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक जरूर कर दिया। अगर हम मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।